वेलकम फ्रेंड्स, PBR स्टडी फैमिली में मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। देखिए, आपकी चाहे टेट की परीक्षा हो, सीटेट की हो, यूपीटेट की हो, या फिर आप SSC बैंक रेलवे की परीक्षा दे रहे हों, आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं और जो कि आपको आने भी चाहिए, तो क्यों ना हम इन्हें कंठस्थ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर एक से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू ये सभी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस PDF फाइल को अपने फ़ोन में पाना चाहते हैं तो आप अभी व्हाट्सएप नंबर देखे होंगे, नहीं हम आपको दिखाएंगे, उस पर आप हमें पा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पहला सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सुनामी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं सुनामी क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, जापानी है, यूनानी है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है। सुनामी, देखिए सुनामी का मतलब ये कौन सा शब्द है, ये जापानी शब्द है बाबू सुनामी, ठीक है। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। आगे चलें, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। जी, सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है भारत का वो कौन सा है, समझ गए होंगे ना आप लोग, कौन सा है, बिहार है, बिहार, बिहार, ठीक है। देखिए डिस्क्राइब करने वाले सवाल को हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने नंबर तीसरा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, मतलब कि भूकंप जो आते हैं वो तीव्रता कितनी है उसकी, इसको नापने के लिए जो आंकड़ा लगाया जाता है कहाँ से, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर। तो आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिया होगा ना, जी बिल्कुल समझ चुके हैं आप लोग, कहाँ पर है ये, कमेंट कर दिए, ए नंबर ऑप्शन नई दिल्ली में, आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया, 1995 ईस्वी में जापान में किया गया था, या फिर 1994 ईस्वी में जापान में किया गया, या फिर 1992 ईस्वी में इटली में, या 1997 में फ्रांस में, कहाँ और कब किया गया। इसका सही उत्तर अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कौन सा होगा, नंबर बी ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, मतलब 1994 में जापान में किया गया था। आगे चलें, आप इस लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, ये लाइव क्लास में भी आपको दिखाया जाता है, ये नंबर पे कांटेक्ट करें ना व्हाट्सएप पे, आपको ज़रूर मिलेगा, या नीचे वाले नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं बाबू, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा है, जल्दी से बताएं, 5, 7, 9, 3 कितने में बांटा है, समझ गए होंगे आप लोग, तो तुरंत कमेंट करें फट से, 5 भाग में बांटा गया है, कितने भाग में, 5 भाग में। देखिए इन सवालों को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं जो डिस्क्राइब करने वाले होते हैं, अभी आप देखते जाइए आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला नहीं है तो, लेकिन हम आपको डिस्क्राइब करके अभी सुनाएंगे, पूरा क्लास देखिएगा जो बड़े सवाल हैं। देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब में, कहाँ पर हुई थी, जल्दी से बताएं, हो गया कमेंट, चले आगे। जी बिल्कुल महाराष्ट्र में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में। देश के पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना लातूर में हुई थी, लातूर जानते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, टोमोलॉजी, पोमोलॉजी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट करें, आप लोग समझ गए होंगे ना क्या कहलाता है, तो आगे चलते हैं हम लोग फिर। सिस्मोलॉजी कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी,
ठीक है, भूकंप को किसमें नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर। और यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ यंत्र से नापा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र से रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। और मतलब कि रिएक्टर पैमाने से क्या किया जाता है, इसकी मतलब तीव्रता को नापा जाता है, आंका जाता है। जैसे आप मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं ना लंबाई दूरी को, वैसे ये होता है। ठीक है, तो आगे चलें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, नंबर 8वां। आप लोग देख रहे होंगे, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है किसमें? बोफोर्ट पैमाने पर, डेसीबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने पर, किसमें नापा जाता है? नंबर 8वां का सही जवाब आप लोग समझ गए होंगे, भूकंप तरंगों की तीव्रता जो नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, कितना तेज भूकंप आया। आपने सुना होगा ना, अभी 4.2 का भूकंप से हिल गया पूरा भारत। अभी देखिए, आया था ना अप्रैल 2017 में, कब आया था ना भूकंप, है ना? तो 15 में आया था बाबू, मैं समझ से, है ना? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा ना, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम, क्योंकि ये डिस्क्राइब करने वाला है। सुनामी का कारण क्या है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। जल्दी से कमेंट करके बताएं तुरंत कौन सा आंसर होगा सही। देखिए, इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल में भूकंप। ठीक है, सुनामी का कारण मछली और ये पिघलता हुआ ग्लेशियर नहीं है। समुद्र तल में जब भूकंप आता है तो सुनामी बनती है। सुनामी, जिसे इंग्लिश में टू सुनामी लिखा जाता है, ये समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जो है ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप को, या फिर समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। इसे आप खुद आजमा सकते हैं, एक थाली में पानी भर लें और पानी भरने के बाद थाली को डगमगा दें, थोड़ा सा हिला दें, तो आप देखेंगे पानी चारों तरफ छलक जाएगा और पूरे थाली में फैल जाएगा, है ना? अगर थोड़ा सा पानी हो तो। वैसे ही एक प्रकार से समुद्र होता है, जब वो हिलने डुलने लगता है और उसमें बहुत सारा पानी होता है तो क्या होता है, जिधर साइड हल्का सा हिलता है मतलब झुकता है, उधर साइड को खूब सारा पानी चला जाता है। और इस तरह से क्या होता है, जहाँ भी वो चला जाता है वहाँ डूब जाते हैं लोग, जनधन की हानि होती है। 10वां सवाल आपके साथ, नंबर आ चुका है सामने, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें कौन सी है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। इसको तो सभी जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो, जल्दी से बताएं तुरंत। देखिए, प्राकृतिक आपदा वो होती है जिस पर आपका कोई बस न चल सके, जिसे आप रोक न सकें और जिसका आपको कोई ज़्यादा अनुमान ना हो सके। ठीक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो एक प्रकार से बोले तो गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, तो भूकंप को तो आप थाम नहीं सकते हैं कि भूकंप आया भाई पकड़ लो, नहीं आ पाए। सुनामी को भी आप नहीं रोक सकते हैं, चक्रवात भी नहीं रोक सकते हैं, जानते हैं ना चक्रवात। तो इसमें सिंपल सा एक यही है आपका, शॉर्ट सर्किट से आग। आप अपने घर के बिजली के सारे उपकरण को अच्छे से रखिए, तार वगैरह का सिस्टम बढ़िया से रखिए, शॉर्ट सर्किट ना होने पाए तो आप इसे रोक सकते हैं, समझ गए ना? आगे चलें, आगे अब नहीं चलेंगे। इस क्लास में हम 10 सवाल देखेंगे। अगर आप इस PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करें जो कि आपको नीचे दिख रहा है। आपको ये सारी PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, आप क्लास ज्वाइन करें। ये क्लास आपकी सभी अनअकैडमी पर होती है बाबू, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अनअकैडमी पर आप इस तरह से क्लास पा सकते हैं। ये यहाँ आपको देख रहा होगा, है ना, PBR स्टडी। और यहाँ पर आप देखिए, ये लेसन है, लेसन नंबर 11, और फिर नीचे जाइए ये देखिए 14, ये 10, है ना? ऐसे आपको अनअकैडमी पर ये पूरे लेसन मिल जाएंगे सभी। आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उसके माध्यम से अनअकैडमी पर जाएं और PBR स्टडी को अवश्य फॉलो करें। फॉलो करने में कोई समस्या होती है तो कमेंट करें, हमारी टीम आपके लिए ऑल टाइम तत्पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।